हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप लोग का पूजा बीटू ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और उसके बाद यहाँ सुबह सुबह शुरुआत हो रही है सब्जी से। तो यहाँ मैं सब्जी भूंज रही हूँ, तो आलू और पटल का सब्जी बनेगा। तो पटल को मैंने पहले ही फ्राई करके निकाल लिया है। और उसके बाद आलू डालने के बाद मैं मसाला डायरेक्ट डाल देती हूँ। तो ऐसे में सब्जी बनाने में टाइम नहीं लगता, सब्जी झटपट बन जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। उसके बाद मैंने भूंज भूंज के और फिर सब्जी में पानी डाल दिया। और उसका सब लोग के लिए खाना पीना सब लोग खाए पिए। उसके बाद फिर मैं रेडी हुई वीडियो बनाने के लिए। तो ये साड़ी मैंने आज पहना था, ये बहुत पुराना साड़ी है, बहुत दिन का साड़ी रखा हुआ था। तो बक्सा से मैंने मम्मी ने निकाला था। तो मैं बोली, सोची थी एक बार पहन के वीडियो बना के देखते हैं कैसा आता नहीं आता। इसका मतलब ब्लाउज ना, मैं जो डेली मतलब हल्का वियर होता है ना, हल्का ब्लाउज होता है, मतलब डेली के लिए जो ब्लैक और रेड में सब लोग पहनते हैं, वही मैंने पहना था। तो कैसा लग रहा था आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। और उसके बाद यहाँ मैं चेंज कर ली ड्रेस वीडियो बनाने के बाद। तो आज ना ज़्यादा थोड़ा सा लेट से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, इसलिए सुबह मॉर्निंग से आप लोग को सारा वीडियो नहीं मिला, लेट से स्टार्ट की इसी की वजह से। तो यहाँ ना मैं बोतल में सुई से छेद कर रही हूँ। ये ना आजकल ना मतलब इंस्टाग्राम पे ना ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है बहुत ज्यादा, जहाँ देखो ना उसी का वीडियो चल रहा है। तो मैं सोची मैं भी बना के ट्राई करके देखती हूँ। और चाय मैंने बनाया था, चाय गैस के नीचे थोड़ा सा गिरा हुआ है तो उसको साफ कर लूंगी। पहले मैं ये ट्राई करके देख सकती हूँ। तो देख सकते सुई ना थोड़ा सा गर्म करें तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें छेद हो जा रहा है। अच्छे मतलब तो बिस्लरी से मतलब वीडियो बना रहे हैं। तो मेरे घर मतलब एक बिस्लरी था ना, तो उसमें छेद करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया तो वो फट गया, तो उसको फिर मैंने फेंक दिया। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैं वीडियो शूट करूंगी इस जगह पे, बीच में एकदम बीचों बीच। और यहाँ पे चेयर के पास ना स्टैंड को खड़े करके रखूंगी और उसके बाद वहाँ पे वीडियो बनाएंगी। तो कल रात में मैं छत पे आई थी ना, तो मैं चप्पल छत पे ही रह गया था। तो फिर मैं अपना चप्पल पहनी, ये रहा बोतल, बोतल में देख सकते हो कितना सारा मैंने छेद कर दिया है। और उसके बाद वीडियो बनाई तो ठीक ठाक बना, नहीं कि उतना अच्छा मतलब कैमरा से मतलब उतना अभी मतलब क्वालिटी का मेरा फोन नहीं है, इसी की वजह से ना मतलब थोड़ा सा उतना अच्छा क्वालिटी नहीं बना, लेकिन मतलब ठीक ठाक वीडियो बना। तो आप लोग ना इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैंने अपलोड किया है। तो इंस्टाग्राम पे मेरा बहुत सारा वीडियो सब बहुत टाइम मतलब आज से नहीं, मैं बहुत टाइम से इंस्टाग्राम यूज कर रही हूँ, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा करना स्टार्ट की हूँ। पहले तो मतलब रेगुलर नहीं थी, पहले मतलब एक दो मंथ पे बनाती थी वीडियो, छोड़ छोड़ के 6 महीना तक भी छोड़ छोड़ के मैंने वीडियो बनाया है। और उसके बाद यहाँ देख सकते हो, उसके बाद नीचे आई तो उसका चाय पानी बनाने लगी। तो मम्मी को चाय मैंने दे दिया, पापा को चाय दे दिया और उसके बाद अपने लिए चाय गर्म की थी। तो चाय में बैठ के पीऊंगी तो ऊपर ना मतलब बहुत से ढेर सारा वीडियो बनाते बनाते पूरा भींग गई थी, तो भींगी हुई थी ना, तो थोड़ा सा पंखा के पास जाकर बैठी। और उसके बाद फिर मैं इधर लग गई खाना बनाने में, नहीं खाना बनाने में पास्ता बनाने में। तो यहाँ मैं पास्ता बनाऊंगी क्योंकि परी को तो बहुत पसंद है पास्ता, और परी के लिए तो मुझे जो भी बनाना पड़ता है मुझे लगता है कि वो खाती है, तो मेरा बहुत मन करता है वो चीज़ बनाने का। और जो चीज़ बच्चों को पसंद होता है ना, तो वो चीज़ बनाने में भी मन लगता है। जो लोग जो मतलब घर में सब लोग खाते हैं वो अच्छा लगता है बनाने में। तो यहाँ मैं पास्ता बनाने के लिए पास्ता मसाला वगैरह सब मैंने इसमें डाल दिया है। और पास्ता मैंने उबाल के प्लेट में करके रख दिया है। तो उसके बाद पास्ता डाल के उसको फ्राई करके भूंज लूंगी। और गीला वाला जो पास्ता होता है ना, वो मैं नहीं बनाती हूँ, सूखा वाला जो पास्ता होता है ना वही बनाती हूँ। गीला वाला पास्ता मतलब घर में कोई नहीं खाता है, मुझे भी उतना नहीं पसंद है। बहुत लोग को अच्छा लगता है ना, कि मुझे नहीं अच्छा लगता। आप लोग देख सकते हो मैं बहुत सिंपल तरीके से पास्ता बनाती हूँ, ज़्यादा मर मसाला भी नहीं डालती हूँ, सिंपल ही रहता है मेरा। तो यहाँ मैं पास्ता बना ली और उसके बाद निकाल के परी को दे दूंगी, पापा को दे दूंगी। सब लोग पास्ता खाते हैं, मम्मी थोड़ा सा खाती है, मम्मी को ज़्यादा पास्ता पसंद नहीं है, नहीं खाती मैगी पास्ता ये सब नहीं अच्छा लगता। तो ये जो सिंपल सिंपल पास्ता जो मैंने बनाया है, तो वो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट छोटा सा कमेंट करके बताना। और ये देख सकते हो देखने में और खाने में ना टेस्टी ही लगता है। मसाला जो पास्ता का होता है ना वो डाल दे दोनों आप उसमें, तो उसका टेस्ट बहुत मस्त आ जाता है एकदम। और उसके बाद फिर मैं ना और उसके पास्ता उसका शाम के टाइम सब लोग खाए पिए और उसके बाद मैं खाना बनाने में लग गई। तो यहाँ करेली का भुंजा तो मेरे का डेली ही बनता है, आप लोग जैसा कि मेरे वीडियो में देखते होंगे। और यहाँ बनेगा बचका। तो यहाँ ना मैंने कद्दू और आलू को बड़ा बड़ा पीस जो होता है ना वो कट कर लिया। उसके बाद फिर खाना मैंने यहाँ पे बन गया, तो खाना यहाँ पे निकालती हूँ। देख सकते हो खाना में चावल दाल सब्जी करेली का भुंजिया बचका, तो इतना सारा खाना सब है। तो आप लोग भी आओ आप लोग भी खाओ। तो यहाँ देख सकते हो खाना मैं निकाल के पापा को दे दूंगी और उसके बाद हम लोग अपने लिए बचका छानने लगे। पापा को मैंने दे दिया गरम गरम बचका। ऐसा चीज है ना मतलब बचका ना गरम गरम ही अच्छा लगता, थोड़ा सा ठंडा हो जाता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो ठंडा बचका एकदम नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा
के बाद खाना पीना सब होने के बाद सारा बर्तन उर्तन जितना था सारा मैंने खाली करके सारा धोने के लिए निकाल दिया। अब परी अभी खेल रही है, तो रात में बर्तन धो लो ना तो सुबह ना बहुत मतलब राहत हो जाता है। सुबह बर्तन धोने का सिर्फ टेंशन नहीं रहता, सिर्फ झाड़ू देने का रहता है कि सुबह उठो सुबह पूरे रूम में झाड़ू लगा लो, उसके बाद काम टेंशन खत्म। और उसके बाद गैस जो खाना बनाने के बाद गंदा होता है तो वो डेली रात में मैं पोछ के साफ करके सोती हूँ। ये देख सकते हो गैस को, गैस जो मतलब सारा जूठा उठा जो गिरता है ना, सब्जी उब्जी गिरता है, चावल वावल जो मतलब चावल वावल जो उधियाता है ना वो सब गिरता है, तो वो सब मैं साफ कर लूंगी। तो यहाँ पे देखते तो मैं पोछ ले रही हूँ उसको साफ से पूरा अच्छे तरीके, और फिर टाइल्स जो नीचे है ना उसको भी मैं पोछ लूंगी साफ करके। किचन रात में आप छोड़ो ना तो सुबह किचन साफ साफ लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है, खुद को ही अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग को उठ के चाय बनाना रहता है और किचन साफ रहता है तो चाय बनाने में भी अच्छा लगता है। इसी की वजह से रात में आप लोग किचन साफ करके ही रखो। और उसके बाद जो उसका जो चूल्हा होता है ना वो भी मैं धो दी थी, और उसके बाद गर्म दूध चढ़ाई थी रात के। रात को ना डेली ना दही जमने के लिए डाल देते हैं हम लोग, डेली दही जमा जमता है मेरे घर में। तो यहाँ देखते हो जोरन थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें मैं दही डाल दूंगी और उसके बाद इसको ढक के रख दूंगी रूम में। तो गाइस आज के ब्लॉग वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। आई होप आप लोग को मेरी ये, और अगर गाइस आप लोग मेरे चैनल पे अभी तक नए आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और आप लोग को मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।